नमस्ते नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। तो आपका लास्ट पेपर रह गया है झरोखा विषय का। तो आज हम कक्षा तीसरी में झरोखा विषय में पार्ट नंबर 7 पार्क में पिकनिक के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। पार्ट आप सभी ने पढ़ा हुआ है और अगर नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पाठ पढ़ने के बाद आप इसके प्रश्नों के सही उत्तर पर सही टिक मार्क लगा पाएंगे। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। निम्नलिखित में से किस पेड़ का तना मोटा नहीं होता है? आपने नहीं का बताना है जिसका तना मोटा नहीं होता। आपके सामने चार ऑप्शन है, नीम, आम, पीपल, टमाटर। आपने नीम का पेड़ देखा हुआ है, इसका जो तना होता है कितना मोटा होता है, होता है ना मोटा। आम का भी देखा हुआ होगा, इसका भी तना मोटा होता है। पीपल का भी देखा हुआ है, उसका भी तना मोटा होता है। लेकिन जो टमाटर होता है इसका तना बहुत पतला होता है, टहनी जो होती है इसकी बड़ी पतली पतली सी होती है। तो हम टमाटर पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे, हमने नहीं बताना है। ठीक, हमारा पहला प्रश्न ही हो गया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी बेल नहीं है? बेल बताना है, कौन सी बेल नहीं का बताना है हमने। ये देखिए ऑप्शन आपके सामने, घिया, करेला, पालक, तरबूज। घिये की भी बेल होती है, करेले की भी बेल होती है, तरबूज की भी बेल होती है, लेकिन जो पालक होती है उसकी बेल नहीं होती, वो ज़मीन में उगती है। तो पालक आपने देखी भी होगी ज़मीन पर कैसे लगती है, तो इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा फूलदार पौधा नहीं है? देखिए नहीं वाले प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान से समझना है, प्रश्न को बार बार पढ़ना है और सोचना है कि क्या पूछा गया है आपसे। आपसे पूछा गया है कौन सा फूलदार पौधा नहीं है। देखिए पहला सदाबहार, दूसरा गुलदाउदी, तीसरा मेथी और चौथा मोगरा। जो फूलदार पौधा है, सदाबहार का फूल भी होता है, गुलदाउदी का भी होता है, मोगरा का भी होता है, लेकिन जो मेथी है उसका पौधा फूलदार नहीं होता। तो इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कांटेदार होता है, जिस पे कांटे लगे होते हैं? ठीक है, हमने ऑप्शन पढ़ने हैं, नागपनी, चमेली, मोगरा, आक। तो जो पौधा कांटेदार होता है वो है नागफनी। नागफनी का जो पौधा होता है उस पर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, ना ही चमेली पर होते हैं, ना मोगरा पर, ना आक पर, नागफनी पर हमने ऐसे टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ की पत्तियां नुकीली होती हैं? चार पेड़ दे रखे हैं, आम, बादाम, चीड़, इमली। तो आपने बताना है निम्नलिखित में से कौन से पेड़ की पत्तियां नुकीली होती हैं। आम की नहीं होती, बादाम की भी नहीं होती, इमली की भी नहीं होती, चीड़ की जो होती पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं। तो हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ की पत्ती छोटी होती है? कौन से पेड़ की पत्ती छोटी होती है? ऑप्शन है आम, अमरूद, नीम, जामुन। तो आप ध्यान से देखिए, आम का पत्ता बड़ा होता है, अमरूद के भी पत्ते ठीक होते हैं मीडियम, जामुन के भी पत्ते ठीक होते हैं, जो नीम के पत्तियां होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, नीम का आप पेड़ देखिए तो आप उसकी पत्तियों को ध्यान से देखिए, वो उनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7 है, पेड़ कहलाते हैं, पेड़ को हम क्या कहते हैं? यहाँ हमने लिखना है, पहला ऑप्शन काला सोना, फिर हरा सोना, पीला सोना, सफ़ेद सोना। पेड़ कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के, सारे जितने भी पेड़ हैं हरे रंग के। तो पेड़ों को क्या बोलते हैं? हरा सोना बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? हरा सोना। हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा दिया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8 है, पेड़ों से हमें क्या नहीं मिलता? पेड़ों से हमें क्या नहीं मिलता? हमने नहीं का जवाब देना है। आप देखिए, पेड़ों से लकड़ी मिलती है, मिलती है, आप सबको पता है। औषधियाँ मिलती हैं, यानी दवाइयाँ मिलती हैं, वो भी मिलती हैं, आपको पता है। कागज़ भी बनता है, ये भी पता है आपको। लेकिन प्लास्टिक जो नया दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन 4,
नंबर पर वो प्लास्टिक हमें पेड़ों से नहीं मिलता, तो हमने नहीं का जवाब देना है, तो इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर 9 कि आप पिकनिक मनाने कहाँ पर जाते हैं। पिकनिक मनाने कभी गए हैं, घूमने जाते हैं आप अपने मम्मी पापा के साथ, तो आप कहाँ पर जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, पार्क में, अस्पताल में, डाकघर में, बैंक में। तो पिकनिक मनाने के लिए हम अस्पताल में नहीं जाते हैं। अस्पताल में हम क्या करने जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं जब हमें चोट लग जाती है। डाकघर में क्या करने जाते हैं, चिट्ठी लेने जाते हैं या और कोई काम करने। और बैंक में भी पैसे का लेन देन करने के लिए हम जाते हैं। तो बाकी क्या बचा, पार्क में, हम पार्क में ही पिकनिक मनाने जाते हैं। तो इस पर हमने ऐसे टिक मार्क लगा देना है। तो बच्चों इसी पार्ट में आप इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, पार्ट को फिर से पढ़िए और समझिए, और इन्हीं जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराया है एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको अगले पार्ट के प्रश्न उत्तर समझा दूँगी।